हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। मैं ईश्वरी साहू, के आपकी साथ क्रिया, हूँ। ठीक है। इसके अंतर्गत श्वसन के तीन चरण होते हैं। एक होता है श्वासोच्छ्वास, दूसरा होता है बाह्य श्वसन जिसमें रुधिर द्वारा गैसों का विनिमय होता है, और तीसरा होता है आंतरिक श्वसन जिसमें कोशिकीय श्वसन भी हम कहते हैं। और इसके अंतर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीसी वगैरह जो जितना है वो संपन्न होता है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाह्य श्वसन जिसके अंतर्गत रुधिर द्वारा गैसों का विनिमय वहाँ पे किया जाता है, रुधिर द्वारा गैसों का विनिमय किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि रुधिर द्वारा जो गैसों का विनिमय है वो होता है विषरण और पराशरण के माध्यम से। दोस्तों, हम जानते हैं कि विषरण और पराशरण में क्या होता है। जिस गैस का आंशिक दाब या सांद्रता ज़्यादा होगा वह कम दाब की ओर गति करता है, यानी विषरण में क्या होता है, अधिक दाब से कम दाब की ओर गैसों का विषरण जो होता है, तो ब्लड में भी जो गैसों का जो विषरण है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर जो है यहाँ पे विषरण होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़े का दाब अधिक होता है या वायु का, या फिर फेफड़े का दाब अधिक होता है या रुधिर का या कोशिका का, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे हम ये समझाना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि रुधिर में द्वारा जो गैसों का विनिमय है वो विषरण की क्रिया के माध्यम से होता है, और जहाँ पे डिफ्यूज़न है, जहाँ पे डिफ्यूज़न वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि अधिक दाब से कम दाब की ओर ही गैसों का विनिमय जो है होगा, ठीक है। इसको हम समझते हैं जब इनहेलिंग, इनहेलिंग मतलब जब श्वास अंदर लिया जाता है, ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं श्वास के रूप में लेते हैं, तो हम देखेंगे कि वातावरणीय वायु यानी जो ऑक्सीजन है उसका दाब, ऑक्सीजन का जो दाब है वो अधिक होता है, किससे, फेफड़े से, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम जानते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वायु कहाँ जाता है। जो वायु होता है वो फेफड़े में जाएगा, फेफड़े जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से हमने बताया था कि एल्वियोलाई में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में जो है जाल के रूप में बिछा होता है, तो वहाँ से ये ब्लड वेसल्स में पहुँचता है, और ब्लड वेसल्स से ये सीधा ये कोशिका में पहुँचती है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो वातावरणीय जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, उसका दाब अधिक होता है वातावरण में, क्योंकि क्योंकि हमने कहा कि गैसों का विनिमय जो होता है वो विषरण क्रिया के माध्यम से होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वायुमंडलीय दाब अगर अधिक होगा तब भी वो कम दाब की ओर गति करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब अधिक होता है किससे, फेफड़े से, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन गैस है वो विषरण करता है कि इधर फेफड़े की ओर एल्वियोलाई में जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो वायुमंडलीय दाब, ऑक्सीजन का जो दाब है, ऑक्सीजन का जो दाब है वो वायुमंडल से यहाँ पे कम होगा, लेकिन ब्लड से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का अगर दाब कम होगा, ब्लड का दाब अगर कम होगा तभी तो वहाँ पे विषरण होगा, क्योंकि विषरण में कहा गया है कि गैसों का विनिमय जो है अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है, ठीक है। तो इनहेलिंग के समय हम देख सकते हैं कि वायुमंडल का दाब सबसे अधिक होता है, उसके बाद फेफड़े का, उसके बाद रुधिर का, यानी सांस लेते समय आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है जब, तब क्या होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा अधिक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो दाब है वो सबसे अधिक होता है ब्लड में, सेल में, ठीक है। उसके बाद ये जाता है वहाँ पे एल्वियोलाई में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे दाब होता है 46 mmHg, ठीक है, यानी यहाँ पे दाब अधिक है, ठीक है। तभी यह विषरण करके अपने से कम दाब की ओर गति करता है, यानी एल्वियोलाई की ओर गति करता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो दाब है वो 40 mmHg जो है होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वियोलाई से कहाँ पे जाएगा, वातावरण में जाएगा, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, वातावरण में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दाब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम होता है, हमने कहा कि गैसों का विनिमय जो है विषरण क्रिया के द्वारा होता है। जब हम एक्सहेलिंग करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो दाब है वो सबसे अधिक होता है ब्लड में, उसके बाद होता है
एल्वियोलाई में, उसके बाद होता है वायु में, यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर गैसों का जो है विनिमय होता है। यहाँ पे हमने वही देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन का दाब अधिक था जो जो विसरित होकर किसमें आया, एल्वियोलाई में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का दाब एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलाई में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का दाब जो है 100 mmHg होता है, जबकि यहाँ पे देखिए आप, ये होता है आपका ब्लड, ब्लड में जो ऑक्सीजन का दाब होता है वो 37 mmHg होता है, यानी यहाँ पे दाब बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिक दाब से कम दाब की ओर गैसों का जो है विसरण होता है, ठीक है। जैसे हम गैस विनिमय के बारे में यहाँ पे अगर पढ़ें, ठीक है, तो देखेंगे कि ऑक्सीजन, ठीक है, गैस विनिमय के बारे में 250 mmHg ऑक्सीजन जो है प्रति मिनट में एल्वियोलाई से ब्लड में विसरित होता है, और 200 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रति मिनट से ब्लड से एल्वियोलाई में विसरित जो है होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि रुधिर में गैस विनिमय, ठीक है, रुधिर में गैस विनिमय यानी गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो ब्लड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका कारण यह है कि ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और यह जो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के प्रति बंधुता रखता है, दोनों से अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है गैसों के विनिमय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का श्वसन वर्णक है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, जो कि दो भागों से मिलकर बना है, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम वाला जो हिस्सा है उसको हम फेरस आयरन या आयरन या लौह पोरफायरिन भी कहते हैं, इसको हिमेटिन भी कहा जाता है, यानी हीम वाला जो भाग है वो फेरस भाग होता है, लौह भाग होता है, जबकि ग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है दो भागों से मिलकर यहाँ पे बना होता है, ठीक। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये फेरस यानी लोहा के कारण ही, लौह के कारण ही क्या होता है, ब्लड जो है रेड कलर का हमको दिखाई देता है। ये अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो ये ग्लोबिन प्रोटीन है और ये जो है आपका फेरस आयन इस प्रकार से लगा होता है। तो एक ग्लोबिन प्रोटीन में वहाँ पे चार जो है फेरस आयन लगे होते हैं, और ये जो फेरस आयन है वो Fe+2 कंडीशन या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये था हीमोग्लोबिन के कारण, और इसमें लोहे की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है वहाँ पे, लोहे की उपस्थिति के कारण ही उसका रंग जो है लाल दिखाई देता है, ब्लड का रंग जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के द्वारा हम ऑक्सीजन का परिवहन देखेंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन से संपर्क करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो वहाँ पे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से एक एक करके वहाँ पे क्या करता जाता है, क्रिया करता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, देखो कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के पहले मॉलिक्यूल से यहाँ पे अभी क्रिया किया, HbO2 बनाया, यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके HbO4 बनाया, तीसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पे अभिक्रिया करके HbO6 बनाया, और चौथे मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके वहाँ पे क्या बनाया, HbO8 बनाया। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के एक से चार, यानी एक हीमोग्लोबिन, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा एक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के एक से चार अणुओं का परिवहन कर सकता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हम जैसे मैं बता सकती हूँ वहाँ पे क्या हुआ था, हमने बनाया था यहाँ पे ऐसा ग्लोबिन प्रोटीन था, यहाँ पे ऐसा ग्लोबिन प्रोटीन प्रोटीन, ठीक है, और इसके चारों ओर यहाँ पे ये लगा था Fe जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे था Fe जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ऑक्सीजन का वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है, FeO2 एक अणु यहाँ पे, एक ही अणु यहाँ पे, एक ही अणु यहाँ पे और एक अणु यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के चार अणुओं का वहाँ पे वहन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हीमोग्लोबिन जो है एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन जो है एक से चार अणुओं का वहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है।
और इसके अलावा हम देखेंगे हीमोग्लोबिन जो मेनली जो वहाँ पे वो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का होता है, इसलिए वहाँ पे शिराएं जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को देखें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वो चमकीला लाल रंग हो जाता है, जिसके कारण धमनी में जो रक्त होती है वो लाल रंग की दिखाई देती है, आपकी जो धमनी है वो लाल रंग की दिखाई देती है, ठीक है। रुधिर जब कोशिका में पहुँचता है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अगला पॉइंट जो है वो रुधिर जब कोशिका में पहुँचता है तो कोशिका में ऑक्सीजन का दाब बहुत ही कम होता है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो गैसों का विनिमय है वो विसरण क्रिया के माध्यम से होता है, ठीक है, जो जिधर दाब कम होगा, है ना, ऑक्सीजन का दाब जिधर कम होगा गैस उधर ही विनिमय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब रुधिर कोशिका में पहुँचता है तो कोशिका में ऑक्सीजन का दाब बहुत ही कम होता है और विसरण क्रिया के फलस्वरूप जो है हीमोग्लोबिन एक अणु खोकर वहाँ पे HbO6 बनाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, देखो HbO8 रहता है, ये अपना एक मॉलिक्यूल खोता है यानी कोशिका को देता है और HbO6 बनाता है, फिर जहाँ पे दाब कम पड़ा कोशिका में ऑक्सीजन का, ठीक है, वहाँ पे फिर वो एक अणु देता है ऑक्सीजन का, वहाँ पे HbO4 बनाता है, इस प्रकार से वो HbO2 बनाता है, फिर फाइनली HB जो है यानी हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पे वो फ्री होकर निकल जाता है, ठीक है। ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा फाइनली जो है ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोशिकाओं में ऑक्सीजन को जो दाब है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके बाद हम देख कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे करता है, ठीक है, जैसे वहाँ पे कोशिका में गया, कोशिका में वहाँ पे क्या हुआ, पाचन की क्रिया हुई, पाचन की क्रिया के फलस्वरूप वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो उन कार्बन डाइऑक्साइड्स का परिवहन जो है भी है हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के जो है कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फेफड़े में जाता है, फेफड़े में जाके वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है यहाँ पे तीन प्रकार से होता है, सबसे पहला जो है कार्बनिक अम्ल के रूप में परिवहन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन, और तीसरा हो चाहे जो बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिवहन, यहाँ हम देखेंगे तो ये क्या होता है, केवल और केवल 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन कार्बोनिक अम्ल के द्वारा होता है और 10 से 15% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, 10 से 15% कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और यहाँ पे लगभग 70 से 80% यानी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परिवहन होता है तो वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिवहन, ठीक है। कार्बनिक अम्ल के रूप में, ठीक है। देखो अगर हम प्लाज्मा में देखेंगे तो प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो जल जो है वो घुलित अवस्था में होता है, और यहाँ पे ये क्या करता है, दोनों जो घुलित अवस्था में होता है तो ये बनाता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। ये जब फेफड़े में जाता है तो फेफड़े में जाने के बाद ये फिर से वहाँ पर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ठीक है, और फिर ये CO2 जो है ये क्या होता है एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई से ये कहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है, देखो ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है ना, उसका NH2 समूह, हमको पता है प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो वहां पे जो एमिनो समूह होता है वो क्या होता है, एमिनो समूह NH2 जो समूह होता है वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और कार्बामिनो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, क्या का निर्माण करता है कार्बामिनो प्रोटीन का, ठीक है। ये कार्बामिनो प्रोटीन जो है जाता है फेफड़े में, और फेफड़े में जाने के बाद इसका क्या हो जाता है HbCO2 जो हम यहाँ पे देख रहे हैं HbCO2
हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और ये जो क्या होता है एल्वियोलाई में जाएगा, और एल्वियोलाई से फिर से ये जो है क्या होता है शरीर के बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दो प्रकार, एक कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिवहन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 5% क्या होता है परिवहन होता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में देखा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 10 से 15% जो है परिवहन होता है। इसके अलावा तीसरा प्रकार है बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन जिसमें से 70 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन वहाँ पे हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो H2O+CO2 जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होता है, इसके साथ साथ वहाँ पे धातुओं के जो कार्बोनेट्स जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो कार्बोनेट है डाइसोडियम कार्बोनेट जो है उपस्थित होता है, तो ये H2O और CO2 से जो विक्रिया करता है और यहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। उसी प्रकार से अगर हम ब्लड में देखें, ये किस में होता है प्लाज्मा में, ये अगर ब्लड में देखें तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के रूप में होगा और KCl जो है लवण के रूप में होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों का यहाँ पे रिएक्शन अगर वहाँ पे देखें तो K+Cl- और H भी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है तो K+ और HB- में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और Cl- का वहाँ पे क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है, जिसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। ये क्लोराइड जो है शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाता है प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में होता है, ये देखो H2 और CO2 ये किस में होता है प्लाज्मा में, और ये डाइसोडियम कार्बोनेट होता है, जो सब क्रिया करके क्या बनाते हैं वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं, और ये जो दूसरा वाला जो कि ब्लड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन होगा और यहाँ पे यह KCl जो है लवण के रूप में होगा, ये दोनों आपस में वहाँ पे क्रिया करेंगे और K+ और HB- बनाएंगे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे क्लोरिन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है, ये क्लोरीन जो है शिफ्ट होके वहाँ पे प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये KHB+ जो है एच जो वहाँ पे कार्बोनिक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है, ये उनसे अभिक्रिया करता है। देखो कार्बोनिक अम्ल की खासियत क्या है कि जल्दी से H+ आयन दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है ये H+ आयन, देखो ये प्लस है आप समझ सकते हो, ये प्लस है ये सीधा जाएगा माइनस के पास, और ये जो माइनस वाला है ये जाएगा सीधा प्लस के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाता है KHCO3 यानी KHCO3 बनता है, यानी पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है और HHB का निर्माण होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है ये देखो ये जो हाइड्रोजन जो है H+, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है H+ इसकी वजह से ये HB है ना हीमोग्लोबिन जो है इसकी वजह से इसका जो pH मान है वो 7.4 हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में चला जाता है, ये किस में जाता है बाद में प्लाज्मा में चला जाता है, और इसकी वजह से इसका जो जो pH मान है वो 7.4 होता है और ब्लड जो है उदासीन हो जाता है यहाँ पे है। ठीक है, बाद में हम देखें कि क्या होता है वहाँ पे प्लाज्मा में, अगर हम देखें ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना है ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना, ये दोनों वहाँ पे क्या होता है क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl और KCl बनाता है और ये फिर से कार्बोनिक अम्ल जो है वहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये कार्बोनिक अम्ल जो है वहाँ फिर से बाहर निकल जाएगा। और क्या होता है यहाँ पे ये देखो ये जो फिर कार्बोनिक अम्ल है वो फेफड़े में चला जाएगा, फेफड़े में ये फिर से कार्बोनिक अम्ल जो है H2O और CO2 में टूट जाएगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से ये शरीर के बाहर कर दिया जाता है दोस्त, कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो गैस के परिवहन का बताया गया है जिसमें बाह्य श्वसन को बताया गया है श्वसन की क्रिया विधि में। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का वीडियो आंतरिक श्वसन होगा जिसमें मैं आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहेगा। थैंक यू।